कस्बा राया के किरण देवी महिला चिकित्सालय में विधायक निधि से लगी डिजिटल एक्सरे मशीन का क्षेत्रीय विधायक ने शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कस्बा राया के मांड रोड स्थित स्वास्थ्य केंद्र राया पर मरीजों की समस्याओं को देखते हुए क्षेत्रीय विधायक पूरन प्रकाश ने विधायक निधि से एक्सरे मशीन लगवा कर क्षेत्र के लोगों को सौगात दी, जिसका आज विधायक ने पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया। इससे पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी मथुरा अजय कुमार वर्मा ने सुबह स्वास्थ्य केंद्र राया पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान खंड विकास अधिकारी प्रभात रंजन शर्मा, पूर्व चेयरमैन राकेश शर्मा, सोनई स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अरविंद कुमार, महिला चिकित्सक डॉक्टर सरोज, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन मनोज उपाध्याय, अनिल रावत, हरवीर सिंह, राम कुमार उपाध्याय, राम बिहारी श्रीवास्तव, श्याम सुंदर वर्मा, सत्यप्रकाश चौधरी, कुमारी नेहा, लवली, डॉली शर्मा सहित तमाम स्वास्थ्य कर्मी और आशा कार्यकर्ती मौजूद रहे। डिजिटल एक्शन मशीन का और क्या क्या यहाँ पर सौगात दी गई है आपके द्वारा? देखिएगा, अभी हमारा विकास तो पिछले 5 साल से हमारी डबल इंजन की सरकार, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हर तरह के विकास को लेकर चली रही है। लेकिन अभी जो आया था, पिछले वर्ष हमने फेस किया था, आप लोगों ने भी, मीडिया बंधुओं ने भी बड़ी उसमें बढ़ चढ़ कर उसमें आपने सहयोग किया था। कोविड कोरोना जैसी महामारी में मार भगाने में जो चीज़ें आई निकल कर और जो आई थी, जैसे ऑक्सीजन रहा, जैसे आपके स्वास्थ्य केंद्र हैं, डॉक्टरों ने, हमारे स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम पे डालकर, सरकार ने, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बांच करके दुनिया में कितना बड़ा कोहरा मचा था, हमारी जो इतनी बड़ी जनसंख्या दुनिया की सबसे बड़ी, सब कुछ सबने मिलजुल कर उससे जन्म लड़ा, उससे आज सबने स्वास्थ्य की वजह से, उस समय तो कोई इलाज भी नहीं था, सबको दो दो वैक्सीने, क्योंकि वैक्सीन ही इसका एक इलाज होता गया, जो सबको मुहैया कराकर फ्री ऑफ कॉस्ट हमने पूरी देशवासियों को पहुंचाई गई थी, लगा लगा कर जो लगाई थी, उसको ही देखते हुए उसी पर पेश किया। मैंने अपने विधानसभा में, मेरे ये हम खड़ी है राया PHC है, अरे CHC है, बलदेव CHC है, यहाँ पर कुछ मूलभूत जरूरतें थी जो यहाँ पर नहीं थी, जैसे डिजिटल एक्सरे मशीन, आपका खारा पानी RO, आपकी ऑक्सीजन के जो पहले सिलेंडर वगैरह आई थी वो सारी मशीनें, आपकी ट्रॉली, वो सब 55 लाख रुपए में मैंने अपने से यहाँ पर दिया। आज उन्हीं जो इंस्ट्रूमेंट आए जो आपके यहाँ पर आपने अवलोकन किया था लाखों के समय, वो सब स्थापित हुए हैं, और स्थापित होने के बाद विधिवत लोकार्पण हुआ है, ये सब हमने समर्पण किया है। हमारी क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके, हमारी सरकार जो कर रही है, जो सोच है, वो साकार हम धरातल पर रखते हैं। पार्टी जनता पार्टी कहती है वो करती है, उसी पर ये सारा कार्यक्रम। ये जो डिजिटल एक्सरे मशीन आपके द्वारा दी गई है, कब से मरीजों को इसका लाभ मिलेगा? ये आपकी डिजिटल एक्सरे मशीन है, डॉक्टर बताएं, जिस तरह आज एक्सरे मशीन का उद्घाटन हुआ है तो सुविधाएं लोगों को कैसे मिलेंगी? सुविधाएं तो शुरू हो गई है एक्सरे की, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर ये बहुत अच्छा प्रयास है, और संभवतः हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में एक दो ही ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जो एक्सरे मशीन हो, राया उसमें से एक है, और एक्सरे हो रहे हैं, एक्सरे टेक्नीशियन हमारे यहाँ मौजूद है, और यहाँ है अभी तो अटैचमेंट पे है, परमानेंटली हम कहीं ना कहीं से प्रयास करेंगे। जैसे विधायक जी ने मशीन को लेकर बदलने की बात कही थी, क्या कोई बदलाव आएगा या डिजिटल इसी तरह से चलता रहेगा? ये मैं देखता हूँ, एक्चुअली मेरे से पूर्व की वो है, उसमें कहाँ किस स्तर पर टेंडर में कहीं वो हुआ है और अभी इसका भुगतान नहीं हुआ है, और अगर टेंडर में जो है डिजिटल मशीन दे रखी है और भुगतान रोका जाएगा।